अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एप्पल ने एक नया आईफोन लॉन्च किया है, आईफोन 14, और उसके साथ साथ आईफोन 14 के लिए नया ओएस लॉन्च किया है आईओएस 16, जो कि गुज़िश्ता तमाम आईओएस से एडवांस है। जैसे जैसे आईफोन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एडवांस करता जा रहा है, उसकी वजह से जो पीछे वाले मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस लो होती जा रही है, वो स्लो होते जा रहे हैं, और उनकी जो है थर्ड पार्टी ऐप से कंपेटेबिलिटी लो होती जा रही है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एप्पल वालों ने और व्हाट्सएप वालों ने ये बात डिसाइड की है कि ये जो पुराने मॉडल्स हैं आईफोन के और जो पुराने आईओएस हैं उनमें 24 अक्टूबर से व्हाट्सएप बंद किया जाएगा। वो कौन से मॉडल हैं और कौन से आईओएस हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं वो कौन से मॉडल हैं, तो उनमें से आता है आईफोन 5 और आईफोन 5C, और उसके पीछे वाले जो भी मॉडल्स हैं उनमें व्हाट्सएप 24 अक्टूबर से बंद किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से आईओएस में व्हाट्सएप बंद किया जाएगा 24 अक्टूबर के बाद, तो उनमें आता है आईओएस 10 और आईओएस 11। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप आईफोन 6, 6S, 7, 7 प्लस या फिर आईफोन 8 यूज़र हैं, तो आपने अगर आईओएस अपडेट नहीं किया हुआ, आईओएस 10 या फिर आईओएस 11 यूज़ करते हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो 24 अक्टूबर के बाद व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आपने आईओएस अपडेट नहीं किया तो अभी आप iOS अपडेट करें ताकि 24 अक्टूबर के बाद आप WhatsApp यूज़ कर सकें। 24 अक्टूबर के बाद iOS 12 और उसके आगे वाले जो भी iOS हैं सिर्फ और सिर्फ WhatsApp उनमें ही काम करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।